तेरा बाप आया। तो हाल ही में आप देख रहे हैं कि वॉर हम लोग हारे हैं, वो एक्चुअली हारे किस तरह से और किसके वजह से हारे, ये टोटली आपको बेस में दिखता है। आपको मेरे बेस में भी 3 स्टार दिख रहा है, ये टॉप में आपको दिख रहा है हम लोग कैसे राउंड क्वालिफाई किए हैं, कितने सारे 2 राउंड क्वालिफाई किए हैं। ये हमारे अटैक्स थे और इसके पहले डिफेंस आपने देखा था। हाल ही में अब एक डिफेंस तो हम लोग ने पहले से होप से हार चुका था, वो आपको रिप्लेस में सस्पेंस में दिखेगा। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको फर्स्ट हमारे अटैक्स, जहाँ पर एक से एक बेहतरीन कलाकार ने अटैक किया। आपको बोलेगा कि हम लोग इतने स्ट्रांग तो नहीं थे, मैं ओपोनेंट बहुत सारे स्ट्रांग थे। तो फर्स्ट अटैक GW के ओपोनेंट के तरफ से जो बहुत तगड़ा वाला बेस था, और हम लोग का जो फर्स्ट प्लेयर था उसने ड्रैगन अटैक्स एयर अटैक्स सोचा, जबकि यार उसके पूरे एक्सपोज डाउन थे। हम लोग मैं एग्जैक्टली जो बताया था पीछे वाले वीडियोस में कि सभी एक्सपोज डाउन मिलने वाले, और उसके CC में भी 2 आइस कोलम्स और आर्चर्स निकले। तो ये अच्छी बात थी कि अच्छा फनल हो गया और ऑलमोस्ट चूँकि CC टू ऑलमोस्ट डाउन होना शुरू हो गए थे, मगर मेन चीज़ था आइस कोलम डाउन नहीं हुआ एक चीज़। मगर फिर भी यहाँ तक आगे तक आपको ऐसा लगा कि यार ऑफकोर्स यहाँ से 3 स्टार तो हो सकता था। यहाँ पर उसके अभी तक मतलब जितने उसने अच्छा फनलिंग किया था, टाउन होल डाउन कर दिया था। अब आता है पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर उसने बैट स्पेल डाला, मगर बैट स्पेल डालते ही उसने विजार्ड टावर को फ्रीज ही नहीं किया, फ्रीज करना भूल गया और पूरे विजार्ड टावर ने बैट को खाना शुरू कर दिया, जैसे आपको अभी दिखेगा। ये देखिए ये पॉइंट में मतलब यार जो 3 स्टार लेके हम लोग लीड अप कर सकते थे वो ही हो गया। एटलीस्ट 3 नहीं तो 90s तक क्लोज तो आ जाता था, कहीं का जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है ऑलमोस्ट वहाँ से स्कैटर शॉट तक तो आ जाता था। तो ये फर्स्ट ही हमारी तरफ से गलती होगी, जहाँ पर जो हमें लीड लेना था वही पॉइंट पर हम लोग डाउन हो चुके। तो जितना कोशिश था कि ये 70% तक डिस्ट्रक्शन लेके आए और ओपोनेंट प्रेशर क्रिएट किए, वो नहीं हो पाया। बाद में हम लोग ने ट्राई किया कि सेकेंड अटैक जो सतीश के वहाँ से हुआ, जो एक और एक जो यूट्यूबर्स के वहाँ से मेरे वहाँ से फ्रेंड्स आया उनको मैंने दिया, तो उनको एक्चुअली ये बेस मैं करने वाला था हाइब्रिड अटैक से, मगर फिर भी उसने बोला कि मैं 3 स्टार कर लूँगा। तो मैंने ठीक है चलो यार सबको होप देता हूँ। तो उसने वार्डन वॉक से स्टार्ट किया, मगर एक हाइब्रिड के जगह उसने यति स्मैश यूज़ किया, जबकि ये यति स्मैश ये बेसिकली बना ही नहीं था। यति स्मैश यूज़ भी किया, उसके साथ एक वॉल ब्रेकर, पूरे 4 वॉल ब्रेकर जंप्स भी कैरी कर रहे हैं और वो जगह पे डाल रहे हो यार तुम, यार थोड़ा अच्छे से गेन ही नहीं कर पाए। तो इसका फनलिंग थोड़ा भी इतना खास नहीं दिखा, और फटाफट उसने अपने यति पुशअप किए जिस तरह से दिख रहा, और ओपोनेंट के CC में निकला 3 आइस कोलम, और वहाँ पर उसने उसको सिंगल टारगेट इन्फोरनर पूरा खा गया ऑलमोस्ट। मतलब है ना, मतलब ये बेस को हम लोग 70 तक तो मार्जिन लेके जाना दूर की बात हो गई थी, क्योंकि ओपोनेंट का जो 3 आइस गोलम था उसके कारण उसने पूरे हमारे यतीस को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कैसे भी करके इसने अपना ट्राई किया कि ऑलमोस्ट और थोड़ा प्रेशर तो हमारे साइड से क्रिएट किया, हम लोग फाइट करेंगे और प्रेशर डाल के फाइट करेंगे। तो हम लोग ने कुछ भी करके इसको 69-72 तक क्रॉस अप किया, और लास्ट में 76 तक पैक्ट हो गया। तो बहुत अच्छा अटैक था, मगर थोड़ी कमी थी जहाँ पर हम लोग और एडवांटेज ले सकते थे इसको। अगर मैं पुशअप करता था और डेफिनेटली मैं हाइब्रिड में ये बेस को खा गया होता था। तो अब मिलते हैं तीसरे अटैक्स को, जब मेरे गबरू जो है, जो मैंने अपने क्लैनमेट से मंगवाया था, यार बहुत अच्छा अटैक करता, बहुत बढ़िया ये अटैक देखने का आपको लगेगा यार बहुत अच्छा अटैक था, मगर इसके साथ थोड़ी गलती हो गई, वो थी कि थोड़ा और प्रैक्टिस होता था और शायद ये 3 स्टार निकाल देता। ये बहुत बढ़िया अटैक था, आप देखोगे यहाँ पर यार बस CC बाहर निकालने नहीं मिला भाई, ओपोनेंट का डिफेंस भी उतना ही तगड़ा था, टेस्ला डाल दिया था वही बंदे ने, वहाँ पर CC नहीं निकला, एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर भी बंदे ने क्वीन वॉक से स्टार्ट किया, टाउन हॉल को डाउन करके ही छोड़ा उसने, इतना अच्छा अटैक था। और सबसे पहला डाउन करना था उसके आइस कोलम डाला, ये एडवांटेज यहाँ पर बहुत बढ़ गया है। तो उसने
किंग को भी डाउन किया और टाउन हॉल को भी डाउन किया, ये सबसे एडवांटेज थी। और क्वीन को अंदर लेके गया, फिर भी इतना बड़ा डेयरिंग यार, बहुत आगे तक लेके गया अपने क्वीन को, बहुत अच्छा था। और टॉप ने उसने वहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना हाइब्रिड स्ट्रैटेजी, लेफ्ट साइड से सीज पैरेक्स और राइट साइड से सेंटर से उसका हॉग्स और माइनस के पूरे पंच निकल रहे, पंच मतलब ग्रुप में जा रहे। तो जाते 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 आगे तक बहुत तक पहुंच गया था, मगर फिर भी उसको जो सीसी नहीं निकला था उसका डिसएडवांटेज भुगतना पड़ा। और एंड में जो सिंगल टारगेट इन्फर्नो था वो पूरा मतलब शिट वो ही खा गया रॉयल चैम्पियन को। अगर शायद रॉयल चैम्पियन एक करता था और सीज बैरक निकल गया था तो इसको मैं 3 स्टार तो ऑफकोर्स नहीं बोलता था। तो आप भी कमेंट सेक्शन में डालो यार, 3 स्टार कैसे नहीं होता था यार। तो आपको क्या लगता है अभी क्या है वो, जो कौन सा चीज़ है जिसके कारण हम लोग डिसअपॉइंटली हारे हैं? हमारे डिस्ट्रक्शन भी अच्छे थे, लगभग 70+ थे। ऑपरेंट को एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिल गया था जो आपको अभी फ्यूचर में दिखने वाला है। तो हमारे ओपोनेंट को यार एक अच्छा एडवांटेज मिल गया, 3 स्टार कन्फर्म है, एक बेस पे 3 स्टार कन्फर्म है। वो कौन सा बेस आपको मैं दिखाता हूँ। तो चला अभी नेक्स्ट अटैक्स पे जाते हैं। जो सम्राट जो हम लोग एवेंजर क्लैन के बिलोंग करते हैं, उसने भी वो मुझे बोला था यार हमारा प्लेयर नहीं मिल रहा था, वो ये प्लेयर आया और हमने के लिए फाइट खेल पाया, बहुत अच्छा फनल किया था, मगर वो फनल को 3 स्टार में नहीं बदल पाया यार। उसने कोशिश की थी, उसने देखो अभी यहाँ पर आपको कितना अच्छा वार्डन फनलिंग दिख रहा है और इतना बढ़िया इस तरीके से टोटल, मतलब वार्डन आपको टाउन हॉल की तरफ ही जाने वाला है, ये कन्फर्म हो गया था। और मतलब एंड टाइम में आपको वही जो हो गया होगी कि पूरा हम लोग सीसी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और सीसी ने पूरा खा लिया हमारे देश को। तो रॉयल चैम्पियन भी जिस तरह से हो रहा था, रॉयल चैम्पियन भी गया, 3 स्टार चाहिए था वो जो नहीं हो पाया। तो ये पॉइंट भी मुझे लग गया था कि यार हम लोग इतना बहुत वास्ट डिस्ट्रक्शन नहीं मिलने वाला है। तो यार 3 स्टार तो दूर की बात है, मगर जितना हो सके उतना हम लोग डिस्ट्रक्शन ला पाएंगे, एटलीस्ट हम लोग के 1 स्टार आ जाए ऐसा कुछ होप हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये 56% पर डिस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ, 2 स्टार नॉट सो बैड। अब आते हैं मेरे अटैक्स पे। जब मेरे को पता चला कि मुझे 5वां नंबर लेना है, मैंने टोटली आर्मी अपना चेंज किया, हाइब्रिड से मैंने सुपर यतीस पे आया। सुपर यतीस में 5 हॉक्स एक्स्ट्रा आते हैं, इसमें बोलर्स नहीं आते, सुपर यतीस को मैंने ट्राई किया और जितना अच्छा फनलिंग क्रिएट कर सके मैंने क्रिएट किया क्वीन वॉक से। क्वीन वॉक से मुझे एक सेंटर से और लेफ्ट पार्ट मुझे मिलता था वो मैंने एक्जैक्टली ट्राई किया और रॉयल चैम्पियंस का डाउन होता था, सबसे बड़ा मेरे को एक एडवांटेज मिल रहा था। मगर डिसएडवांटेज यही था कि मैं उसका सीसी नहीं निकाल पा रहा था। तो सीसी कैसे भी मैंने वहाँ पर 2 हॉक्स डाल के निकाले, जबकि 2 के बदले में 3 हॉक डालना पड़ा, सीसी निकाला फिर सीसी को मारने की तरह, बहुत अच्छा फनल दिख रहा है ये पार्ट में। मगर इसके बाद यतीस मेरे यार टोटली 1.2 सेकंड का लेट हो गया सेकंड जंप में दिखना, अपने फर्स्ट जंप मैंने क्लियर किया, मेरे यतीस अभी भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पर मैंने एबिलिटीज़ भी थोड़ा लेट कर दिया यार, बहुत मतलब ऑलमोस्ट मैंने लास्ट अटैक किया था, मतलब हार ही गए थे हम लोग तब, हमें कंडीशन बहुत बुरा था। और ये टाइम भी यहाँ पर आप देखिए यार मेरा हॉक्स टॉप से आ रहे हैं, वो दिख रहे यार ऑलमोस्ट पूरा बेस खा जाएंगे और टॉप साइड के, मगर वहाँ पर ये सुपर क्वींस ने यार क्वीन को बोलेंगे सुपर किंग, क्या किंग और क्वीन एक साथ थे, दोनों ने मेरे पूरे हॉक्स को पूरा मार डाला और रॉयल चैम्पियन को भी यार। रॉयल जितना हो सके मेरे सेंटर और क्वीन वॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया, ये मैं क्वीन वॉक को बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बोलूँगा, मैंने अपने क्वीन वॉक को और इम्प्रूव कर दिया पहले से। और हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहेंगे, मैं और प्रैक्टिस करूँगा। और मेरे जितने डिस्ट्रक्शन थे कि ऑलमोस्ट जितना मैं 70 तक ला पाऊँ, 80 तक तो 80 तक तो नहीं हो पाया, जितना मैं ट्राई किया उतना तो ऑलमोस्ट 60s पे और 70s के बीच में ही रह पाया। तो ये था मेरा जो बेस्ट जो मैंने 69 पुट अप किया। अब दिखाता हूँ मैं आपको हमारे डिफेंस, जो ऑलमोस्ट वो यार एक ओपोनेंट क्लैन को एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, वो ये डिफेंस था कि हमारे एक बेस ने स्काउट करके रखा मगर डिफेंस में डाला ही नहीं, उसको वॉर बेस सेट ही नहीं कर पाया। तो ये बंदा था जो सतीश नाम करके, बहुत ट्राई किया ऑलरेडी आपने ने पूरा बेस को अपने चेंज कर दिया तो आपको लॉकआउट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो ये बेस हम लोग कारण हारे। अब मेरे बेस पे भी यार बंदे ने बहुत अच्छा अटैक किया, तो ये देखने तो बनता ही है क्या बंदे ने क्या वॉक करवाया यार, इतना खतरनाक वॉक तो मैं भी नहीं देखा। और मेरे जितने भी मेरे डिफेंस में आपको दिखाया यार सभी डिफेंस देख लो, तो लास्ट अटैक किया मेरे पे और बहुत बढ़िया तरीके से। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि यार नहीं 3 नहीं होगा
तो जब क्वीन मर जाए, देखो जब उसने एक फ्रीज यूज़ किया, मैंने मेरे इंफर ने उसको मारने में बहुत सेकंड फ्रीज यूज़ किया और मेरे सीसी को भी डिस्ट्रॉय किया। इन लोगों का सबसे पॉजिटिव पॉइंट था कि उन्होंने सीसी के, हमारे सीसी को एकदम बहुत अच्छी तरीके से निकाला और डिस्ट्रॉय डिप्लॉय करके डिस्ट्रॉय किया बहुत अच्छी करके। ये पॉइंट में आपको लगेगा कि यार उसने बहुत अच्छा वॉक किया, इजीली थ्री। मगर एक अभी टर्निंग पॉइंट आएगा, जैसे एक ये आइलैंड बॉस करेगा उसके हॉग राइडर्स और माइनर्स, तो एक पॉइंट में उसकी क्वीन डाउन होने वाले है अभी पॉइंट में, और बाद में ऐसा लग गया कि यार नहीं नहीं थ्री नहीं हो पाएगा। मगर जो गेम रॉयल चैम्पियन है, ये पॉइंट था, जो गेम अभी रॉयल चैम्पियन खेलेगा वो टोटली ये पूरे बेस को खा जाएगा, मैस्ट अप कर दिया ये बेस को। रॉयल चैम्पियन को फॉलो अप मिला एक हीलर से, जो तीन हीलर्स और पूरा वॉक करते बिठाया ये, और एक उसने एक अच्छा एडवांटेज रखा कि पूरा रेज स्पेल बचा के रखा। अभी जितना भी पॉइंट था यार रॉयल चैम्पियन ने निकाल दिया, एबिलिटीज बाकी था एबिलिटीज भी वही टाइम पर उसने यूज़ किया बहुत अच्छे से, और पूरा गेम यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। मेरे पे थ्री आया तो मतलब मैं बोल जाया यार गेम ओवर। बहुत अच्छा अटैक था, डिफेंस कुछ काम नहीं आया, मगर उसके अटैक्स मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। डिफेंस हाल ही में इतने नहीं, मगर अटैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कि ये सेकेंड, ये थर्ड अटैक था, तो थर्ड अटैक भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो ट्राई किया, मगर यार एयर अटैक्स तो मैं देख के समझ गया था ये अटैक ये बेस पे एयर अटैक तो चलेगा ही नहीं। सब कुछ एयर यार, एक्सपोज अगर डाउन होता तो देख सक पाता था मैं, तो इसमें एक्सपोज भी इसको एयर और ग्राउंड दोनों बोत रखे, तो इसने रॉयल चैम्पियन से डिस्ट्रॉय कर दिया एक स्कैटर शॉट को। फिर भी मगर एक होप्स थी क्या, मतलब शायद ये थ्री तो नहीं निकलेगा। इसका जो फनल देख के ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, जो फनल चाहिए वो एग्जैक्टली मिला नहीं है, तो ये थ्री तो नहीं हो पाया। मगर अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन और टू स्टार मिल गए जो हम लोग को चाहिए था। टू स्टार के लिए अभी हम लोग जा रहे थे हाल ही में, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ही आपने फर्स्ट बेस देख लिया यार, थ्री स्टार इजीली मिल गया, और हम लोग के अटैक्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे थे उन लोग के बेस के कारण। तो ये पॉइंट तक तो पूरा गेम उन लोग के हाथ में आ चुका था, और ऑलमोस्ट 71% ये बेस पे भी आ गया। तो ये पॉइंट तक तो चल रहा था, ये वॉर चल रहा था, हम लोग अभी भी होप्स लेके बैठे थे, हम लोग लास्ट तक फाइट किए। उसके बाद एक सम्राट के जो चौथे नंबर बेस, उसके बेस पे भी आया अच्छा सा डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे जो थ्री स्टार जो गबरू के बेस में भी आ गए। हाल ही में इसका बेस भी मैक्स आउट नहीं था, ओपोनेंट के सभी बेस मैक्स आउट। इसने ये जो क्वीन वॉक किया, ये क्वीन वॉक को मैं हैट्स ऑफ बोलूँगा यार, हैट्स ऑफ, और GW टीम के लिए यार बहुत बड़े कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप अभी अच्छे लेवल तक मार्जिन तक पहुँच गए हैं, वो टीम अभी अच्छे क्वालिफाई कर दिए, और इनने बहुत अच्छे तरीके से बहुत पेशेंसली और एकदम आराम से वॉर खेला है हमारे बेस के अकॉर्डिंग। हमारे अपने टीम बिल्डअप ही हो रहा था, तो उसने अच्छा क्वीन वॉक यहाँ पर देखने मिलता है। देखिए स्कैटर शॉट निकाला उसने मेरा, एक स्कैटर शॉट को खाया, एक प्लस एक्सपोज भी उड़ा दिया, प्लस उसने अभी देखिए कि अभी आपको इल्फरनोज भी उड़ाएगा वो एक, इतना अच्छा उसने अच्छा क्वीन वॉक किया, इतना अच्छा क्वीन वॉक में देखा नहीं। बाद में उसके बाद टॉप में सीज पैरक डाल दिया और अपना काम एज यूजुअल हाइब्रिड स्ट्रैटेजी अपना चालू कर दिया। तो ये तो इसके लिए उसने फनलिंग जितना अच्छा किया, ये तो उसको डिजर्व भी कर रहा था थ्री स्टार। मैं तो एज यूजुअल उसने कुछ नया नहीं, तो ये बंदे को मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ, मैक्स हमारे तरफ से शॉर्ट आउट मैक्स आउट को, जो बहुत अच्छा हम लोग को सपोर्ट जो दे रहे थे, हम लोग को सपोर्ट मिला था इसकी तरफ से। तो ये थी हमारे जो वॉर्स और ये ESL के टूर्नामेंट्स, तो अभी मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट सरप्राइज़ क्या आप लोग के लिए।